मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम क्रॉस बॉडी बैग या स्लिंग बैग बनाएंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने आज क्रॉस बॉडी बैग बनाया है जो हमने यहाँ से देखिए मैग्नेट से इसको यहाँ से लॉक किया। ये हमारा फ्लैप है और फ्रंट साइड में हमने वन पॉकेट दी है। ये देखिए, ये हमने फ्रंट साइड में एक पॉकेट दी है। ये काफ़ी स्पेस है इसमें और अंदर की और एक पॉकेट हमारी इसके अंदर है। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट एकदम नीट एंड क्लीन स्टिच हुई है। ये देखिए, एकदम नीटली स्टिच हुई है अंदर की पॉकेट। एक दूसरी पॉकेट ये है और तीसरी पॉकेट हमारी अंदर की साइड में है। ये देखिए, इसमें आप कुछ भी सामान अपना मनी वगैरह रख सकते हैं और अंदर भी काफ़ी स्पेस है। ये देखिए, अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और इसको आप फ्लैप से ऐसे लॉक कर सकती हैं। और बैक साइड में भी हमने एक पॉकेट दी है। ये देखिए, बैक साइड में भी काफ़ी स्पेस दिया है हमने। ये देखिए, काफ़ी स्पेस है और काफ़ी नीट एंड क्लीन स्टिच हुआ है हमारा पूरा बैग और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। 5 पॉकेट वाला स्लिंग बैग आज हम रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे मेज़रमेंट नहीं समझ में आ रहे हो तो मेरे सारे मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। आप उसमें से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारे मेज़रमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। स्लिंग बैग या क्रॉस बॉडी बैग बनाने के लिए हमने ये देखिए 10x11 का क्विल्टेड पीस लिया है और ये 4 पीस हमारे 10x11 के क्विल्टेड पीस है। चारों क्विल्टेड पीस है 10x11 के। 2 पीस देखिए हमने शेप में कट कर लिया है, राउंड शेप में नीचे से, और 2 को हमने कट नहीं किया है। इसको अभी हम बताएंगे कि आपको कैसे कट करना है। तो ये 4 पीस हमारे 10x11 के क्विल्टेड पीस हैं और ये तीनों भी हमारे 10x11 के प्लेन पीस हैं। ये देखिए, ये प्लेन पीस है 10x11 के, इसको भी हमने शेप में कट कर लिया है। और ये 8x16 का प्लेन पीस है और ये 4x28 का क्विल्टेड पीस है। ये देखिए, 4x28 का क्विल्टेड पीस है और ये 4x28 का ये हमारा प्लेन पीस है। देखिए, एक क्विल्टेड पीस है और एक प्लेन पीस है। 45 इंच की हमने ये बेल्ट बनाई है। ये देखिए, ये फैब्रिक बेल्ट है, 45 इंच की बेल्ट है ये। और ये 3x6 का क्विल्टेड पीस है और ये 3x6 का प्लेन पीस है। देखिए, 3x6 का एक क्विल्टेड पीस है और एक प्लेन पीस है। 4 इंच की 2 बेल्ट ली है छोटी। देखिए, 4 इंच की 2 बेल्ट है। 2 D लूप लिए हैं हमने और एक मैग्नेट और 2 ज़िप ली है जिसमें हमने दोनों में रनर डाल लिया है। सबसे पहले 3x6 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और यहाँ नीचे से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, 1/2 इंच पे हमने यहाँ से मार्क किया और 1/2 इंच पे हम इस साइड से मार्क करेंगे। इस मार्क से होते हुए हमें एक शेप बनाना है। ये देखिए, ऐसे करते हुए हम एक राउंड शेप बना लेंगे नीचे से पूरा। ये देखिए, हमने इस शेप में इसको मार्क कर लिया है। यहाँ से देखिए, 1/2 इंच पे इस साइड से मार्क किया, 1/2 इंच पे इस साइड से मार्क किया और हमने आगे से राउंड शेप देते हुए इसको मार्क कर लिया है। अब हम इसी साइज का ये प्लेन पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस करके सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है और इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम नीचे की साइड से यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमारा ये सेंटर है। देखिए, ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। सेंटर के मार्क से हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। देखिए, सेंटर के मार्क से हमें यहाँ 1 इंच पे मार्क करना है।
एक इंच पे जो मार्क किया है इस पे इधर से हम होल करेंगे इधर से, और एक इस साइड से होल करते हुए हम मैग्नेट को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए एक मैग्नेट हमको इस साइड अटैच करना है, ऐसे रखते हुए मैग्नेट को हम इस साइड से अटैच कर देंगे। ये देखिए ये मैग्नेट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, यही मार्क हमने बैक साइड में भी लगा लिया है। देखिए ये हमारा सीधा साइड है और ये सीधा साइड है, इसको सेंटर के जो हमने मार्क किया है ये हमारा सेंटर है। सेंटर की लाइन पे ऐसे मिलाते हुए क्विल्टेड पीस को, और पहले हम पिन से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने दो पिन से अटैच कर लिया है। अब हमको यहाँ से स्टिच करना है, जो हमने शेप दिया है शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करते हुए हमें यहाँ से ओपन रखना है और थ्री साइड से स्टिच करके इसको प्लेन पीस को इसमें अटैच करना है। ये देखिए हमने शेप के अकॉर्डिंग पूरा हमने जैसे शेप बनाया था वैसे ही उसी के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमको ये राउंड शेप जो हमने दिया है यहाँ पे हल्का हल्का कट लगाना है, और स्टिच लाइन को बचाते हुए हल्का हल्का हम यहाँ पे राउंड शेप में कट लगा लेंगे। अब पिन निकाल के इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए इसको पलट के सीधी साइड ले आएंगे। ऐसे प्रेस करेंगे पहले और इसके ऊपर दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए देखिए हमने थ्री साइड से स्टिच कर लिया है और पूरा राउंड शेप पे स्टिच कर लिया है। अब ये मैग्नेट हमारा यहाँ पे देखिए नीटली अटैच हो गया है अंदर की साइड से। अब हम 10x11 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और यहाँ से नीचे से कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क किया और इस साइड से भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है, और इस साइड से 1 इंच पे मार्क करना है। देखिए बिल्कुल सीधा हमको इस साइड से करना है, इस साइड से कॉर्नर से करना है, और यहाँ पे भी हमें बिल्कुल सीधे 1 इंच पे मार्क करना है। ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पे 1 इंच पे, यहाँ से हमें बिल्कुल ऐसे करते हुए शेप देना है। देखिए एक हांडी का शेप देना है इसको, और इस मार्क से मिलाते हुए हमें पूरा नीचे तक राउंड शेप देते हुए मार्क करना है। ये देखिए इसको ऐसे मिलाते हुए, ये देखिए ये हमने मार्क कर लिया। देखिए राउंड शेप में पूरा हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है। अब हम इसको राउंड शेप में जो हमने मार्क किया है इसको हम कट कर लेंगे। देखिए जो हमने मार्क किया है इसको यहाँ से कट करना शुरू करेंगे और कट करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही हमने सारे पीसेस कट किए, जैसे हमने ये पीस कट किया है वैसे ही सारे पीस कट किए हैं, प्लेन पीस भी और क्विल्टेड पीस भी। हमने शेप में जो कट किया है 10x11 का ये पीस है, इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम सेंटर का मार्क कर लेंगे चौक से। ये देखिए ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया। अब मार्क वाली लाइन पे हमको ये वाला पीस जो अभी हमने बनाया था इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। देखिए बिल्कुल सेंटर पे इसको रखना है और इसको सीधे स्टिच करके इसको यहाँ पे अटैच करना है। देखिए सेंटर का मार्क करके हमने यहाँ पे सीधे स्टिच करके इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हम और इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सेंटर का मार्क करेंगे पहले चौक से, इसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा सेंटर है और इसके बाद 2 इंच पे नीचे डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया सेंटर वाली लाइन से, इधर से हमें 3 इंच लेना है। देखिए इधर से हमें 3 इंच लेना है सेंटर वाली लाइन से, और इस तरफ सेंटर वाली लाइन से हमें 3 इंच लेना है, यानी 6 इंच पे हमें एक सीधी लाइन खींचनी है।
सिक्स इंच पे हमें सीधी एक लाइन खींचनी है। ये देखिए, ये हमने मार्क कर लिया सिक्स इंच पे। अब हमें हाफ से भी हाफ इंच एक और इसी के आगे बढ़ाते हुए एक मार्क और करना है, और ऐसे ही एक मार्क और यहाँ पे कर लेंगे। देखिए, हाफ से भी हाफ इंच पे हम यहाँ दोनों साइड से एक एक मार्क कर लेंगे, और बीच में हमारे सेंटर की लाइन है। अब हमको सेंटर वाली लाइन को हमको कट करना है। तो देखिए, पहले फोल्ड करेंगे इसको ऐसे बराबर में ऐसे फोल्ड कर लेंगे पहले, और जो सेंटर पे हमने मार्क किया है, सेंटर वाले मार्क पे हमें यहाँ से हल्का सा कट लगाना है। ये हमने कट लगाया, अब हमको यहाँ से ऐसे कट करना है एंड तक, और एंड में हमें वी शेप में कट करते हुए, ये देखिए यहाँ से अब हमें वी शेप में कट करना है, एक साइड इधर और एक साइड इधर। ऐसे ही हमें इस साइड से भी सेंटर वाली लाइन पे लेते हुए और वी शेप में एंड में कट करना है। ये देखिए, हमने वी शेप में कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जिप को अटैच करना है। ये हमारी 7 इंच की जिप है, इसको हम यहाँ पर अंदर की साइड ऐसे रखेंगे, और सेट करते हुए इसको पहले हम यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम जिप को लेंगे, और जिप को ऐसे रखते हुए यहाँ पे पहले पिन लगा लेंगे। देखिए, ऊपर की साइड से हमने फोल्ड करते हुए पिन से पूरा अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे, और पिन निकालते हुए स्टिच करके चारों साइड से जिप को हमें अटैच करना है। जिप को हमने देखिए पिन निकालते हुए चारों साइड से स्टिच कर लिया है। अब ये जिप हमारी यहाँ पे क्विल्टेड पीस में अटैच हो गई है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे बराबर में इसको फोल्ड करेंगे हम, और यहाँ पे सेंटर का मार्क करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने सेंटर का मार्क किया, और सेंटर के मार्क से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। देखिए, एक 2.5 इंच पे इस साइड से मार्क किया, और 2.5 इंच पे इस साइड से हमें सेंटर के मार्क को लेते हुए इस साइड से मार्क करना है। देखिए, सेंटर का मार्क ये है, इधर से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, और इस साइड से भी हमने 2.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है। 1.5 इंच तक एक सीधी तिरछी, ऐसे तिरछी हमें लाइन खींचनी है अंदर की साइड की लेते हुए। ये देखिए, ऐसे करते हुए तिरछी हमें तिरछा ऐसे इस साइड से ऐसे मार्क करना है। ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा तिरछा अंदर की साइड लेते हुए, देखिए थोड़ा तिरछा मार्क किया हुआ है। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे लेते हुए एक छोटी सी प्लेट बनानी है। देखिए, ऐसे करते हुए यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट टक कर लेंगे। मार्क करके हमने देखिए यहाँ पे स्टिच कर लिया है, और देखिए यहाँ पर एक प्लेट बन गई है। ऐसे ही हमारी इस साइड भी हमको प्लेट बनानी है अंदर की साइड। ऐसे देखिए, इसको मार्क के अकॉर्डिंग हमें ऐसे फोल्ड करना है, और इसी तरह हमको इस साइड भी एक प्लेट टक करनी है। जैसे हमने इस साइड प्लेट बनाई थी, वैसे इस साइड भी हमने देखिए एक प्लेट टक कर ली है। अब हमारा यहाँ पे ऐसे ये उभर के थोड़ा सा उठा हुआ आएगा। तो अब हम एक प्लेन पीस लेंगे, और ऐसे ऊपर की साइड ऐसे रखेंगे, और सीधे स्टिच करके पहले इसको इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमने सीधे स्टिच करके इसको प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस के साथ इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको हम पलट के उल्टी साइड लाएंगे, ये देखिए बैक साइड लाएंगे पलट के इसको, और इसको ऐसे यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए इसको यहाँ पे सेट करते हुए हम यहाँ पे पहले पिन लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे पहले हम पिन लगा लेंगे। पिन से देखिए हमने अटैच कर दिया है इसको। अब यहाँ से हम दाब सिलाई देते हुए चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को देखिए हमने यहाँ पे स्टिच करके चारों साइड से इसमें अटैच कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब ये पॉकेट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है, ये वाली पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब हम
दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और इसके ऊपर से हम यहाँ पे 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए 1 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। ये हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया और ये लाइन खींच ली है 1 इंच पे। अब देखिए जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है इसको इस पे ऐसे सेट करेंगे पहले, और पहले इस कॉर्नर पे हमें यहाँ पे पिन लगाना है। इसके बाद इस कॉर्नर पे हम पिन लगा लेंगे जो हमने मार्क किया है, यहीं पर इसको लेते हुए इस कॉर्नर पे भी हम पिन लगा लेंगे और चारों साइड से हमको पहले पिन से इसको अटैच करना है, इसके बाद स्टिच करना है। ये देखिए हमने पिन से अटैच कर दिया है चारों साइड से। अब हम यहाँ से स्टिच करते हुए, देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए 3 साइड से पूरा स्टिच कर लेंगे और इसको क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। देखिए राउंड में पूरा स्टिच करते हुए हमने इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब एक पॉकेट हमारी यहाँ भी रेडी हो गई है। ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम 10x11 का दूसरा ये क्विल्टेड पीस लेंगे। इसको भी देखिए हमने शेप में कट किया है। अब इसको हम यहाँ से ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने मार्क करके 2 इंच पे सीधी लाइन खींची। अब इसे हमें कट करके निकाल देना है। ये 10 इंच की जिप है, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ। जिप को हम उल्टी साइड ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके जिप को हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको हम इस साइड लाएंगे और इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए देखिए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। ऐसे ही इस पार्ट को लेंगे और इसमें हम ऐसे रखते हुए जिप को इसमें अटैच कर देंगे। ये ऊपर वाले पार्ट को भी हमने पहले स्टिच किया, इसके बाद दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। बैक साइड में देखिए हमारा नीटली एकदम अटैच हो गई है जिप हमारी। अब जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसी साइज का ये दूसरा 10x11 का ये हम पीस लेंगे। इसको भी हमने शेप में कट किया है। देखिए पहले चारों साइड से हम पिन लगा लेंगे, इसके बाद स्टिच करके क्विल्टेड पीस में प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। ये हमने पिन से अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से पूरा स्टिच करते हुए चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। ये पॉकेट भी हमारी अब रेडी हो गई है। अब हम ये वाला क्विल्टेड पीस लेंगे जो 4x28 का ये क्विल्टेड पीस है, और यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है। देखिए ये हमने 1/2 इंच पे इधर से मार्क किया और इधर से भी हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 1/2 इंच मार्क किया और हमको यहाँ पे एक शेप देना है। ये देखिए ऐसे करते हुए ये ऐसे शेप देना है। 5 इंच पे इधर से मार्क करते हुए देखिए 5 इंच इधर से मार्क करेंगे। 5 इंच तक हमें ऐसे करते हुए इस 5 इंच पे हमें ऐसे ले आके ऐसे मिलाना है। ये देखिए ऐसे करना है, हमें ऐसे एक शेप देना है। तो इस शेप को हम कट कर लेंगे। अब ऐसे करते हुए शेप देंगे, 5 इंच पे इधर से मार्क करेंगे और इधर से 1/2 इंच पे मार्क करके ऐसे कट करके हम शेप दे देंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बराबर में और इस साइड से हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम और इसको बराबर में रखते हुए हम इसको भी कट करके निकाल देंगे। ये हमने देखिए इस साइड भी शेप दे दिया, दोनों साइड से हमने शेप दे दिया है। ऐसे ही हमको इस साइड भी शेप देना है। देखिए इस पार्ट को ऐसे रखेंगे बराबर में
और इस पार्ट में भी हम कट करके शेप दे देंगे। ये ऐसे सेट करेंगे और इसको कट करके हम शेप दे देंगे। ये देखिए अब हमने दोनों साइड से शेप दे दिया है। ऐसे ही हमको जो प्लेन पीस हमारा है, देखिए जो हमारा इसी साइज का ये प्लेन पीस है, इसको ऐसे ही हमको शेप देना है। तो इसको भी ऐसे रखते हुए हम शेप दे देंगे। यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको और इसको भी हम शेप दे देंगे कट करके प्लेन पीस में भी। दोनों साइडों से हम कट करके प्लेन पीस में भी शेप दे देंगे। देखिए प्लेन पीस में भी हमने इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से हमने प्लेन पीस में भी शेप दे दिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये भी 10x11 का पार्ट है हमारा। अब हम यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड से भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम यहाँ से ऐसे लेते हुए इसको राउंड शेप देंगे। देखिए इसको ऐसे करके हम मार्क के ऊपर ऐसे ले जाते हुए ऐसे मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। ये हमने राउंड शेप दे दिया है। ये देखिए हमने मार्क करके राउंड शेप दे दिया है इसको। इसको अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। राउंड शेप में मार्क करते हुए हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ से। देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमारा देखिए सेंटर है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये हमने 1.5 इंच पे मार्क किया। अब हमें यहाँ पर मैग्नेट का दूसरा पार्ट अटैच करना है। तो पहले हम सीजर से होल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे सीजर से होल्ड कर लेंगे हम और मैग्नेट का दूसरा पार्ट यहाँ पे अटैच कर देंगे। मैग्नेट को लेते हुए ऐसे हम इसमें अटैच कर देंगे बैक साइड में। ये देखिए यहाँ पे हमने मैग्नेट को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हम 10x11 का ये प्लेन पीस लेंगे और ये सीधी साइड है और ये देखिए ये जो भी हमने मैग्नेट अटैच किया था इसको हम ऐसे सीधे पार्ट को दोनों को ऐसे रखते हुए हम पहले पिन अप करेंगे। पिन से हमने देखिए अटैच कर दिया है। अब हमको यहाँ से लेके पूरा 3 साइड से स्टिच करके इसको इसमें अटैच करना है। ये वाला पार्ट हमारा ओपन रखना है, बस हमें यहाँ से राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच करना है। राउंड में देखिए स्टिच करके हमने प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को हमें यहाँ से पूरा कट करके निकालना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। अब जो राउंड में हमने स्टिच किया है इसको यहाँ पे हल्का हल्का हम कट लगा लेंगे। स्टिच लाइन को बचाते हुए हम राउंड में पूरा ऐसे कट लगा लेंगे। अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। पूरा हम राउंड में स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। राउंड में देखिए स्टिच करके हमने ऊपर से पूरी दाब सिलाई दे दी है। अब हमारा ये पार्ट भी रेडी हो गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हम ये वाला पीस लेंगे जिसमें अभी हमने शेप में कट किया था। अब यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फोल्ड करके पहले ये देखेंगे ये सेंटर है कि नहीं। सेंटर पे हमें 3 इंच पे मार्क करना था।
ये हमारा सेंटर है और ये हमने 3 इंच पे मार्क किया है। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने 4 इंच की बेल्ट ली थी इसको हम फोल्ड करेंगे और इसमें डी लूप ऐसे डालते हुए इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। पहले हम ऐसे रखते हुए स्टिच करेंगे, इसके बाद पलट के सीधी साइड स्टिच करेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। अब फोल्ड उठाएंगे और इसको पलट के ऊपर की साइड ले जाएंगे और ऊपर की साइड पे हम दाब सिलाई देते हुए इसको स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए डी लूप हमारा यहाँ पे 3 इंच पे हमने मार्क करके सेंटर पे डी लूप को अटैच कर दिया है। ऐसे ही हम इस साइड भी 3 इंच पे पहले मार्क करेंगे, इसके बाद यहाँ पर भी डी लूप को अटैच करेंगे। दोनों साइड से देखिए हमने डी लूप को अटैच कर दिया है 3 इंच पे मार्क करके। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे उल्टी साइड ऐसे बैक साइड ऐसे रखते हुए देखिए पहले पिन से अटैच करेंगे, इसके बाद हम स्टिच करके इसको क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। तो ऐसे सेट करते हुए पहले पिन लगा लीजिए, राउंड में पूरा पिन से अटैच कर दिया है। अब यहाँ से स्टिच करते हुए इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। पूरा राउंड में स्टिच करते हुए हमने इसको क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए हल्का हल्का कट लगा लेंगे राउंड में, यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब ये दूसरा पार्ट लेंगे जिसमें जिप को अटैच किया था, ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें भी इसको पहले पिन अप कर लेंगे, इसके बाद इसको इसमें अटैच कर देंगे। देखिए पूरा राउंड में हमने पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ से पिन निकालते हुए स्टिच करेंगे और इस पार्ट को भी इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी देखिए हमने पूरा राउंड में स्टिच करके इसको इस वाले पार्ट को भी इसमें अटैच कर दिया है। अब इसमें भी हम यहाँ नीचे की बॉटम की साइड में ऐसा हल्का हल्का कट लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे हल्का हल्का चारों साइड से ऐसे राउंड में हल्का हल्का कट लगा लेंगे। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए हम इसको पलट के हम सीधी साइड लाएंगे। अब ये जो हमारा फ्लैप है, ये देखिए ये जो हमारा फ्लैप है इसको हम, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में इसको ऐसे रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे और फ्लैप को इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके देखिए हमने फ्लैप को भी इसमें अटैच कर दिया है। ये फ्लैप हमारा इसमें अब अटैच हो गया है, ये हमारा इसमें ऐसे लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे लॉक हो जाएगा। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम 10x11 का ये पीस लेंगे, प्लेन पीस है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर में फोल्ड करते हुए सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया। और अब ये हम 8x16 का ये प्लेन पीस लेंगे और इसके ऊपर पहले हम पहले इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर है, तो ये सेंटर पे इसको मिलाया हमने और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और सेंटर वाली लाइन से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर हमें मार्क करना है। देखिए दोनों साइड से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमने सीधी लाइन खींच ली, हाफ से भी हाफ इंच यहाँ पर एक और लाइन एक और मार्क कर लेंगे। देखिए एक और मार्क कर लिया हाफ से हाफ इंच पे और ऐसे ही इस साइड भी हाफ से हाफ इंच पे हमें एक और मार्क करना है। देखिए ऐसे करते हुए एक और मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सेंटर की लाइन खींची, इसके बाद सेंटर के ऊपर थोड़ी सी हाफ से हाफ इंच पे लाइन खींची, इसके बाद एक और यहाँ पे लाइन खींच के मार्क कर लिया है हमने। सेंटर के बगल में जो हमने मार्क किया है इसको पूरा स्क्वायर शेप में इसको स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे।
देखिए सेंटर पे रखते हुए हमने हमने दोनों साइड से देखिए मार्क वाली लाइन पे स्टिच कर लिया है। ये देखिए ऐसे हमने स्टिच किया है, सेंटर पे हमने स्टिच नहीं किया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर में फोल्ड करना है हमको। और जो सेंटर वाली लाइन है उसमें हल्का सा कट लगाना है, सेंटर वाली लाइन पे कट लगाना है। और कट लगा के इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा अंदर तक कट कर लेंगे। और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमें वी शेप में कट करना है। ये देखिए वी शेप में कट कर लेंगे इधर, और इस कॉर्नर पे भी हमें वी शेप में कट करना है। ये देखिए दोनों कॉर्नर्स पे हमने देखिए वी शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम पलट कर बैक साइड ले जाएंगे, अंदर से हम बैक साइड ले जाएंगे इसको। और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये बैक साइड में हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमें ये जो 7 इंच की जिप हमने ली थी इसको इसमें ऐसे रखते हुए, और ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको ऐसे फ्रंट साइड में ऐसे रखते हुए हम पिन अप कर लेंगे, इसके बाद स्टिच करेंगे। तो देखिए पहले पिन से इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों कॉर्नर्स पे हमने पिन लगा लिए। अब हमको इसको स्टिच करते हुए जिप को यहाँ पे अटैच करना है। जिप को सीधी साइड में अटैच कर दिया है चारों साइड से स्टिच करके। अब हम इसको बैक साइड में लाएंगे और ये वाला पार्ट लेके हम इस पार्ट में ये देखिए इसको इसमें सेट करते हुए हम इस पार्ट को हटाते हुए इस पॉकेट को यहाँ पे सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके देखिए पॉकेट का एक पार्ट इस साइड हमने अटैच कर दिया है इसमें। ऐसे ही इस साइड भी हमें सीधे स्टिच करके इस पॉकेट को इसमें यहाँ से लॉक करना है। ये देखिए दोनों साइड से हमने इस पॉकेट को लॉक कर दिया है। अब ये पॉकेट भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम ये वाला प्लेन पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हमें सेंटर का मार्क करना है। देखिए यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये सेंटर है और ये सेंटर है, देखिए दोनों साइड हमारा सेंटर है। अब इसको यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर पे हमको ये देखिए ये वाला पार्ट इस सेंटर पे ऐसे रखते हुए हमें पहले पिन अप करना है। देखिए दोनों सेंटर के मार्क पे ऐसे रखते हुए यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे और इसके बाद हम ऊपर की साइड में ले जाके एक पिन लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे सेट करते हुए यहाँ पर भी एक पिन लगा लेंगे। ऐसे ही हमको पिन से पूरा पार्ट सेट करना है इस प्लेन पीस में। पिन से हमने पूरा राउंड में अटैच कर लिया है। अब हम पिन निकालते हुए स्टिच करेंगे और इसको इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड से देखिए पूरा राउंड में मैंने स्टिच कर लिया है प्लेन पीस को, इसमें अटैच कर दिया है। अब ये वाला पार्ट लेंगे, ये देखिए ये वाला पार्ट लेंगे दूसरा, ये भी 10x11 का पार्ट है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इसको ऐसे पलटते हुए हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है, देखिए ये जो हमने सेंटर का मार्क किया है और इसमें भी सेंटर का मार्क है। इसको ऐसे दोनों सेंटर के मार्क को ऐसे मिलाते हुए पहले हम पिनअप करेंगे, इसके बाद स्टिच करेंगे। तो इसको हम पहले पिनअप कर लेंगे। इस पार्ट को भी देखिए हमने राउंड में पूरा पिनअप कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करते हुए इस पार्ट को भी इसमें अटैच कर देंगे। इस पार्ट को भी देखिए हमने राउंड में स्टिच कर लिया है और यहाँ से हमने साइड से 5 इंच का गैप छोड़ा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 5 इंच हमको स्टिच नहीं करना है और यहाँ से देखिए यहाँ से स्टिच किया, इसके बाद 5 इंच का गैप छोड़ा, इसके बाद पूरा राउंड में हमने स्टिच करके इसको इसमें अटैच किया है और एक साइड से देखिए 5 इंच का गैप छोड़ा है हमने। अब हम
देखिए इस पार्ट को लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पार्ट में इसमें जो अभी हमने स्टिच किया इसमें डालेंगे और अच्छे से सेट करते हुए ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ पे पहले पिन लगाएंगे। पिन से अटैच कर दिया है, अब हमको राउंड में पूरा स्टिच करके इसको इसमें अटैच करना है। तो यहाँ से स्टिच करते हुए पूरा राउंड में स्टिच कर लेंगे और इसको इसमें अटैच कर देंगे। पूरा हमने राउंड में स्टिच कर लिया है और इसको अटैच कर दिया है। अब हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे, चारों साइड से हल्का हल्का कट लगा लेंगे कि ऐसे हल्का हल्का कट लगा लेंगे। अब जो ये पार्ट हमने ओपन रखा था इस पार्ट से हमको यहाँ से अंदर का पार्ट निकालना है। देखिए अंदर से हम निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे, सीधी साइड ले आएंगे, इधर से हम ओपन करके सीधी साइड ले आएंगे। अब ये जो पार्ट हमारा ओपन है इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से स्टिच करके इसको हम ऐसे देखिए इस पार्ट को जो ओपन है इसको ऐसे लेते हुए स्टिच कर लेंगे और इसमें इसको इधर से लॉक कर देंगे। देखिए इस साइड से हमने स्टिच करके इसको लॉक कर दिया है। अब इस पार्ट को हमें अंदर की साइड में सेट करना है। देखिए इसको दोनों हाथ से अंदर करते हुए सेट कर लेंगे। ऐसे करते हुए पूरा राउंड में स्टिच करते हुए दाब सिलाई दे देंगे। राउंड में देखिए पूरा हमने स्टिच करके इस पार्ट को रेडी कर लिया है। ये पार्ट हमारा अब रेडी हो गया है बैग। ये देखिए मैंने राउंड में स्टिच किया है दाब सिलाई देते हुए और चारों साइड से स्टिच करके राउंड में पूरा स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस फ्लैप को हम इससे ऐसे लॉक कर देंगे। ये हमारा बैग रेडी है। अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए ये हमने 45 इंच की बेल्ट ली थी। बेल्ट को इस साइड से ऐसे डालेंगे अंदर और इसको ऐसे लेते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और इसको देखिए यहाँ पे ऐसे लेते हुए स्टिच करके इस बेल्ट को इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड से देखिए स्टिच करके हमने बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर दिया है। ऐसे ही हमको इस साइड भी बेल्ट को अटैच करना है। देखिए ऐसे लाएंगे बेल्ट को और यहाँ से ऐसे करते हुए हम स्टिच कर लेंगे और बेल्ट को इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से देखिए हमने बेल्ट को भी इसमें अटैच कर दिया है। ये देखिए ये हमारी बेल्ट इसमें अटैच हो गई है। स्लिंग बैग या क्रॉस बॉडी बैग बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।